नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन आज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व महाशिव नवरात्रि के रूप में 9 दिनों तक मनाया जाता है। ज्योतिर्लिंग में से एक विश्व प्रसिद्ध उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले पर्व महाशिवरात्रि पर्व 9 दिन तक मनाया जाता है। यह परंपरा सिर्फ उज्जैन के महाकाल मंदिर में ही है। इसके साथ ही भगवान महाकाल को दूल्हा भी बनाया जाता है। 9 दिनों तक अलग अलग श्रृंगार किए जाते हैं। वहीं इस बार 3 मार्च से प्रारंभ होकर 11 मार्च समापन तक महाशिव नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इसके लिए आज उज्जैन संभाग के कमिश्नर, कलेक्टर, IG, SP, एडिशनल SP सहित अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने शिवरात्रि पर 1 लाख से अधिक आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था सुगम बनाने और किसी भी तरह की परेशानियों का सामना किसी को भी ना करना पड़े इसके लिए प्लान तैयार किया है। तो यहां करके सर फिर आगे प्लान तो सर कल तक बहुत ज़्यादा सुविधा ना हो। एट द सेम टाइम कोरोना के महामारी के संबंध में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी पालन हो और लोगों को बहुत ज़्यादा असुविधा भी ना हो, गाड़ियों के पार्किंग में असुविधा ना हो, ये सब की व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं और पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे पुलिस बल लगाया जाए। सर, अनुमान देखा जाता है कि श्रद्धालु अगर एक ही रास्ते से आते हैं, अगर वो सामान वगैरह लेके आते हैं तो उनको यहीं छोड़ा जाता है, फिर रास्ता जो निकलने का रास्ता है उसको दूसरी तरफ आना, फिर वापस में उनको सामान लेने के लिए दिक्कत होती है। इस संबंध में चर्चा की जा रही है। कपूर में शायद सामान की व्यवस्था की गई थी लेकिन वो फेल हो गई थी। इस संबंध में अभी यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है तो उसमें सुचारू रूप से जो भी जनता के हित में होगा, जिनको दिक्कत ना आए, वो निर्णय लिया जाएगा। बाहर से आने वाले राज्यों तरह लोगों के लिए सब ऑनलाइन बुकिंग्स हैं तो ऑनलाइन बुकिंग्स के लिए सभी को अपनी बुकिंग्स करनी है, उसके बाद यहाँ पे आ पाएंगे। ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है बाहर से आने वालों के लिए। दिल्ली में कर रखा है कि वहाँ दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए कोविड की थोड़ी जरूरी है। अभी इस संबंध में जिला प्रशासन ने निर्णय नहीं लिया, हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर कहीं बहुत ज्यादा आने वाले समय में ऐसी समस्याएं आती हैं तो हो सकता है कोई निर्णय लेंगे, वर्तमान में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार नई व्यवस्था से गुजरना पड़ेगा। दरअसल 2 पार्किंग स्लॉट रखे गए हैं, जिसमें पहला 4 धाम मंदिर के पास और दूसरा त्रिवेणी संग्रहालय के सामने। अगर ये दोनों पार्किंग भी फुल हो गई तो इसके बाद श्रद्धालुओं को अपनी गाड़ी या अन्य गाड़ियों से आने वाले श्रद्धालुओं को गदा पुलिया या हरी फाटक ब्रिज के पास अपने अपने वाहन खड़े करने होंगे। कोविड के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाकर श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन करवाना मंदिर समिति की जिम्मेदारी है और इसके चलते आज भी अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि ऑनलाइन प्री बुकिंग के माध्यम से ही श्रद्धालुओं को दर्शनों का लाभ मिल सकेगा। करीब 1.5 लाख दर्शनार्थी महाकाल मंदिर आएंगे, लेकिन जो लोग प्री बुकिंग नहीं करा सके उनके लिए भी दर्शन व्यवस्था के लिए बुकिंग सेंटर खोले जाएंगे। कार्तिकेय मंडप से ही श्रद्धालुओं को दर्शन मिल सकेंगे। कुछ रास्तों को वन वे किया जा रहा है ताकि आने जाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। देखिए, जैसे हमको पता है 11 तारीख को महाशिवरात्रि है और जैसा हर साल होता रहा है इस बार भी श्रद्धालुओं की भीड़ आएगी। हालांकि कोरोना के चलते जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। अभी हम निरीक्षण कर रहे हैं तो देखा है कि पार्किंग स्थल एक नया डेवलप हो रहा है तो जिससे हमें काफ़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही इस महाशिवरात्रि पर जो है बिना बुकिंग के जो है दर्शन नहीं हो पाएंगे तो प्रायर बुकिंग की आवश्यकता रहेगी। जो लोग किसी कारणवश प्रायर बुकिंग नहीं कर पाएंगे उनको यहाँ पे भी ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था जो है वो प्रशासन की ओर से की जा रही है। तो अभी हम लोग वही निरीक्षण कर रहे हैं कि किधर से एंट्री होगी, एग्जिट होगी। कोशिशें रहेगी कि सब जगह वन वे रहे, जिस रास्ते से लोग आएँ उस रास्ते से पलट के उन्हें दोबारा आमना सामना न करना पड़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ मैनेज हो सके। सर, बड़े अंतराल में भीड़ आ रही है तो कितने लोगों के आने का अनुमान आप मान रहे हैं और किस तरह की पूरी व्यवस्था रहेगी सोशल डिस्टेंसिंग? देखिए, व्यवस्था तो हम जैसे हर साल होता रहा उसी आधार पे मान के चल रहे हैं। 1.25 लाख लोग इस बार भी आए थे तो लगभग उसी अनुमान के अनुसार।